अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देश अनुसार जिले के यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने एसआर पावर एमपी लिमिटेड के पूर्णवास कॉलोनी नंदविहार नंगवा में कंपनी के सीएसआर विभाग के माध्यम से संचालित सरस्वती विद्यालय के छात्र छात्राओं को यातायात जागरूकता संबंधित नियम कायदों से अवगत कराया। यातायात प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने सरस्वती विद्यालय नंदविहार में अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां उपस्थित छात्र छात्राओं को सुरक्षित यातायात से संबंधित जानकारियां दी। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि सड़क पर चलने के दौरान आप की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, जिसके लिए आपको दो पहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट लगाना चाहिए, साथ ही संबंधित वाहनों के पूरे कागज लेकर चलना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यदि चार पहिया वाहन का उपयोग अपने आगमन के लिए करते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। श्री सिंह ने अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान घटित कुछ गंभीर घटनाओं का उदाहरण पेश करते हुए बच्चों को सुरक्षित यातायात संसाधनों का उपयोग करने की समझाइश। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से विगत कई समय से जिला मुख्यालय पर और शहर के आसपास में हमने इस तरह की मुहिम चलाई है कि रोड अवेयरनेस, लोगों में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता जो है फैलाई जाए, और उससे लोग अवेयर भी हुए हैं। तो उसका परिणाम यह आया कि जिला मुख्यालय के आसपास में एक्सीडेंट्स की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लेकिन आज भी जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो हमारा जो अब अगला स्टेप है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक रोड अवेयरनेस को लेकर के मुहिम चलाने की है। उसी की स्टार्टिंग हमने आज जो बंधौरा में जो स्कूल है सरस्वती स्कूल, वहाँ पे बच्चों को हमने एक अवेयरनेस के लिए एक प्रशिक्षण दिया हुआ है, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को समझाया गया है और आसपास के जो लोग हैं उनको भी अवेयरनेस अवेयर किया जा रहा है। ओके, हेलमेट है ना, वो भी है ना फोन में, वो आप जब भी गाड़ी चलाते हैं तो आप सब कुछ लेते हैं, आपने चाबी ली है, पर्स रख लिया, मोबाइल रख लिया, बट हेलमेट ही लेते। हम जब भी चेकिंग में पूछते हैं हेलमेट कहाँ है भैया, सर जल्दी में है तो भूल गए, और हेलमेट है आपका है नहीं, क्रिमिनल है तो सही पर वो घर पे रखा हुआ है। अच्छा बताओ बेटा, घर पे रखा हुआ हेलमेट बचा पाएगा क्या?